हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमने आपसे आप सबके लिए एग्जाम से पहले 15 मॉडल पेपर प्रिपेयर किए हैं। 15 मॉडल पेपर्स में आपके 1500 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ये एक पीडीएफ हमारे पास रेडी है और दूसरा है यूनिट वाइज क्वेश्चंस, जिसमें आपको 600 से ज्यादा सवाल मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये दो पीडीएफ एग्जाम से पहले अगर आप तैयार करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो अगर आप ये दोनों पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज कीजिएगा, क्या फीस आपको पे करनी होगी, सारी डिटेल आपको वहां पे सेंड कर दी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, ज़ेल में किस जुमरे का ताल्लुक मुख्तसर अफसाने से है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ऑप्शन को रीड कर चुके होंगे और सही जवाब भी आपने मार कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। चलिए बताइए, नोक झोंक जो है किसका अफसाना है, बालकनी किसका अफसाना है, मोजिल किसका है और तुलादान किसका है। तो एक एक करके हम सभी नोट भी कर लेते हैं। नोक झोंक जो अफसाना है ये किसका है, नोट कीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद का। बालकनी किसका है, कृष्णचंद्र का, नोट कर लीजिएगा। और मोजिल किसका है, सादत सिंह मंटू का हो जाएगा। और तुलादान किसका है, राजेंद्र सिंह बेदी का। अब अगर हम पहले ऑप्शन को ध्यान से देखें, शेर-ए-कोहसार, तो शेर-ए-कोहसार ये नॉवेल है, याद रखेंगे, किसका है, पंडित रत्ननाथ सरसार का। गबन किसका नॉवेल है, मुंशी प्रेमचंद का। फिरदौसे बरी जो है नॉवेल है अब्दुल हलीम शरव का। पतझड़ की आवाज ये अफसाना है, किसका है, कुर्रतुलैन हैदर का। तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें, ज़ादे राह, ज़ादे राह मुंशी प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ है। तिलिस्मे ख्याल कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमुआ है। बगैर उनवान के बहुत ही अहम चीज है, बहुत ही अहम नॉवेल है, तो ये किसका नॉवेल है, मंटू का। नादार लोग, नादार लोग किसका नॉवेल है, नोट कर लीजिएगा, अब्दुल्ला हुसैन का। बात करते हैं सफीने गमे दिल, ये किसका नॉवेल है, कुर्रतुलैन हैदर का। कोख जली ये अफसानी मजमुआ है राजेंद्र सिंह बेदी का। और सौदाई नॉवेल है इस्मत चौधरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने जेल में किस जुमरे का ताल्लुक नॉवेल से है, किस जुमरे का ताल्लुक नॉवेल से है। चारों ही ऑप्शन को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी ज़वाले बगदाद, पर्दे मजाज, गर्दिश रंगे चमन, इफ्शाराज, ये सभी जो है नॉवेल है। ज़वाले बगदाद किसका नॉवेल है, तो नोट कर लीजिएगा, अब्दुल हलीम शरर का है। पर्दे मजाज जो है मुंशी प्रेमचंद का है। गर्दिश रंगे चमन किसका है, कुर्रतुलैन हैदर का। इफ्शाराज किसका है, मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा का, जरूर याद रखिएगा। देखिए कलियां जो है ये जो है अफसानवी मजमुआ है, याद रखिएगा। तो ये फिर किसका अफसानी मजमुआ है, इस्मत चौधरी का। ख्यालिस्तान जो है सज्जाद हैदर यलदरम के मजामीन का मजमुआ है। निर्मला नॉवेल है मुंशी प्रेमचंद का। दिल की दुनिया ये नॉवेल है इस्मत चौधरी का। तीसरे ऑप्शन में आ जाइए, दोजखी, दोजखी खाका है किसका, खाका है इस्मत चौधरी का। शिकस्त नॉवेल है किसका नॉवेल है, कृष्णचंद्र का। अरहर का खेत ये रशीद अहमद सिद्दीकी का है मजमून। जामे सरसार नॉवेल है रतननाथ सरसार का। चंद हम असर, बहुत ध्यान से सुनना है, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। चंद हम असर खाकों का मजमुआ है मौलवी अब्दुल हक का। हम नफसाने रफ्ता खाकों का मजमुआ है रशीद अहमद सिद्दीकी का। शीश महल खाकों का मजमुआ है शौकत थानवी का। चांदनी बेगम नॉवेल है कुर्रतुलैन हैदर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ढूंढोगे हमें मुल्को मुल्को, मिलने के नहीं नायाब है हम। ताबीर है जिसकी हसरत तो हम, आए हम नफ्सों वो ख्वाब है हम। इस शेर का खालिक कौन है, फिराक गोरखपुरी ऑप्शन में है, मोमिन है, दर्द है और शाद है,
मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शाद अजीमाबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, किस माहिर लिसानियात ने नजरिया पेश किया था कि उर्दू द्राविड़ी खानदान की जुबान है। ऑप्शन आपके पास में सुहेल बुखारी हैं, शौकत सब्जवारी हैं, मसूद हुसैन खां हैं, मुहियुद्दीन कादरी जोर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी डॉक्टर सुहेल बुखारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मखदूम मुहियुद्दीन का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। ऑप्शन देखिए आपके पास में, गुले तर है, बेसात रक्स है, सुर्ख सवेरा है, परवाज है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सुर्ख सवेरा। जरूर याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे गुले तर, बेसात रक्स, ये दोनों भी किसके शेरी मजमुए हैं, मखदूम मुहियुद्दीन के, याद रखिएगा। परवाज जो शेरी मजमुआ है ये किसका है, तो आपको मालूम होना चाहिए अली सरदार जाफरी, किसका है नोट कर लीजिएगा, अली सरदार जाफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, जिलानी बानो, ऐवान गजल कृष्णचंद, गर्दिश रंगे चमन कुर्रतुल ऐन हैदर, शिकस्त अजीज अहमद। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी गर्दिश रंगे चमन जो है कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवल है। ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती ये किसका नॉवल है, तो मालूम होना चाहिए अजीज अहमद का। ऐवान गजल जो नॉवल है ये किसका है, ऐवान गजल जो है जीलानी बानो का नॉवल है। शिकस्त किसका नॉवल, अभी पीछे हमने बताया भी, कृष्णचंद्र का नॉवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दुरुस्त जोड़ के निशानदही कीजिए। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने, फैज अहमद फैज के सामने शोला और शबनम, दूसरे ऑप्शन में शाद अजीमाबादी नगमे इल्हाम, तीसरे में जिगर मुरादाबादी गुले नगमा, और चौथे में मखदूम मुहियुद्दीन एशिया जाग उठा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शाद अजीमाबादी का शेरी मजमुआ है नगमे इल्हाम। जरूर याद रखेंगे, शोला व शबनम किसका शेरी मजमुआ है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए जोश मलिहाबादी। गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है, तो मालूम होना चाहिए फिराक गोरखपुरी। एशिया जाग उठा ये किसका शेरी मजमुआ है, तो अली सरदार जाफरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तरक्की पसंद नाकदीन वाले जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सैयद सज्जा जहीर, सैयद एहतशाम हुसैन और मजनू गोरखपुरी। चलिए बात कर लेते हैं हम सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिर्फ नॉवेलों के नामों वाले जुमरे की निशानदही की, बहुत ही अहम क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा हमारा पहला ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, खुदा की बस्ती दास नस्ले आग का दरिया। खुदा की बस्ती किसका नॉवेल है, तो मालूम होना चाहिए शौकत सिद्दीकी का। उदास नस्ले अब्दुल्ला हुसैन का। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का। उमराव जान अदा ये नॉवेल है मिर्जा मोहम्मद हादुरुस्वा का। ख्वाब बाकी हैं, तो ख्वाब बाकी हैं ये क्या है, ये आप सबको मालूम होना चाहिए। ख्वाब बाकी हैं खुद नविश्त है आलम सुरूर की। बागो बहार दास्तान है मीर अमन की। तीसरे जुमरे की अगर हम बात करें तो देखें टेढ़ी लकीर जो है नॉवेल है इसमें चौधरी का। बादशाहत का खात्मा ये अफसाना है सादत हसन मंटू का। हम वहशी हैं कृष्णचंद का अफसानवी मजमुआ है। बस्ती नॉवेल है इंतजार हुसैन का। अपने दुख मुझे दे दो, अपने दुख मुझे राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानी मजमुआ है। रास्ता बंद है ये किसका अफसानी मजमुआ है, जीलानी बानो का, नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से कौन सा नॉवेल प्रेमचंद का नहीं है। पहला ऑप्शन आपके सामने असरारे मुआबिद है, दूसरा मैदान अमल है, तीसरा गोशे आफियत है और चौथा फायर एरिया है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी फायर एरिया। ये मुंशी प्रेमचंद का नॉवल नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस को मैं बार बार रिपीट करता हूं, ध्यान से पढ़िएगा, नहीं पूछा गया है। तो फायर एरिया किसका नॉवल है, इलियास अहमद गदी का, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कुलियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह के अवलिन मुरतिब का नाम बताइए। पहला ऑप्शन देखिए प्रोफेसर सैयदा जाफर हैं, दूसरे में
सैयद मुहियुद्दीन कादरी जोर हैं, तीसरे में अब्दुल हक हैं और चौथे में मसूद हुसैन खां हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी सैयद मुहियुद्दीन कादरी जोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चकबस का शेरी मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? गुले नगमा के नाम से, सुबह वतन के नाम से, नगमे इल्हाम के नाम से, पाबंद नज़मे के नाम से। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी सुबह वतन। गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ? पीछे हमने बताया फिराक गोरखपुरी का। नगमे इल्हाम किसका है? शाद अजीम आबादी का। तो पाबंद नज़मे किसका है? नोट कर लीजिएगा, मीरा जी का शेरी मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही ने शायरी के लिए कौन सी तीन शर्तें लाजमी करार दी है? पहला ऑप्शन देखिए, तखयुल, महाकात, कायनात का मुताला। दूसरे में महाकात, रियायत लफ्जी, मुबालगा। तीसरे में तखयुल, मुबालगा, महाकात। और चौथे में तखयुल, मुताले, कायनात, तफहुस अल्फाज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी तखयुल, मुताले, कायनात और तफहुस अल्फाज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तीन रंग और गीत ही गीत किस शायर की किताबें हैं? पहला ऑप्शन आपके पास देखें चकबस्त है, दूसरे में मीरा जी हैं, तीसरे में अख्तरुल ईमान है और चौथे में नून मीम राशिद है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मीरा जी। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गई, ये शेर किसका है? यानी इस शेर के खालिक कौन है? ऑप्शन आपके पास में फैज हैं, जिगर हैं और फिराक गोरखपुरी हैं, हसरत मोहानी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी फिराक गोरखपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें कौन सी किताब रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है? बहुत ही अहम क्वेश्चन है, अगेन आपसे पूछा क्या जा रहा, रशीद अहमद सिद्दीकी की किताब नहीं है तो ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन हम अफसाने रफ्ता है, आशुफ्ता बयानी मेरी है, जर गुजश्ते और गंज हाय ग्राम माया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी जरगुज़श्त। तो फिर ये किसकी तसनीफ है? तो मालूम होना चाहिए मुश्ताक अहमद यूसुफी की। भाई किसकी है? मुश्ताक अहमद यूसुफी की तसनीफ है, नोट कर लीजिएगा। अगर इसी क्वेश्चन में कुछ इस तरह से आपसे पूछा जाता कि इनमें से रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त का नाम बताइए, तो आपका जवाब फिर हो जाता आशुफ्ता बयानी मेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, इनमें कौन सी किताब शमशो रहमान फारूकी की है? पहला ऑप्शन आपके पास में तख्लीकी अमल है, दूसरा लफ्ज़ व माना है, तीसरा उर्दू लिसानियात है और चौथा अफकार व मसाइल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी लफ्ज़ व माना, नोट कर लीजिएगा। तो फिर तख्लीकी अमल के मुसन्निफ कौन है, उर्दू लिसानियात के मुसन्निफ कौन है, अफकार व मसाइल के मुसन्निफ कौन है? तो नोट कीजिएगा, तख्लीकी अमल के मुसन्निफ हैं वजीर आगाज, नोट कर लीजिएगा। उर्दू लिसानियात के मुसन्निफ हैं शौकत सब्जवारी, नोट कर लीजिएगा शौकत सब्जवारी। अफकार व मसाइल के मुसन्निफ हैं एहतशाम हुसैन, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, सैफो सुबू किस शायर के मजमू कलाम का नाम है? पहला ऑप्शन देखें जोश मलिहाबादी है, दूसरे फिराक गोरखपुरी, तीसरे में फैज अहमद फैज और चौथे में अख्तरुल ईमान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी जोश मलिहाबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्राकृत का पहला अदबी रूप है महाराष्ट्री होगा, शोरसीनी होगा, पाली होगा या फिर मगधी होगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी पाली। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, शायरी दुनिया की मादरी जुबान है, यह किसका कौल है? आप मुझे बताइएगा यह किसका कौल है? खुर्शीदुल इस्लाम का है, मौलाना अबुल कलाम आजाद का है, रशीद अहमद सिद्दीकी का है, उसलूब अहमद अंसारी का है? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से किताब तरक्की पसंद अदब बहुत ही इंपॉर्टेंट तसनीफ है, तरक्की पसंद अदब के खालिक हैं, एहतशाम हुसैन हो जाएंगे, क्या ये सही होगा? मोहम्मद हसन होंगे, अली सरदार जाफरी होंगे या फिर मुमताज हुसैन होंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी अली सरदार जाफरी, याद रखेंगे। अली सरदार जाफरी के बहुत सारे शेरी मजमू जिनमें अहम लिखी परवाज हो जाएगा, नई दुनिया को सलाम, खून की लकीर, ये बहुत ही अहम है, जरूर आप याद रखिएगा।
चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किताब तनकीदी अफकार के मुसन्निफ कौन है? क्या गोपीचंद नारंग होंगे, शमशुर रहमान फारूकी होंगे, या एहतिशाम हुसैन होंगे, या फिर आल अहमद सुरूर होंगे? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी शमशुर रहमान फारूकी, जरूर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दिल्ली से लखनऊ आने वाले शायरों के नाम है, ज़ौक़ व मोमिन होंगे, मीर व सौदा होंगे, दर्द व दाग होंगे, या फिर गालिब व मोमिन होंगे? तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मीर व सौदा। इनके बारे में हम कई बार क्लास में रिपीट कर चुके हैं, तो आई थिंक यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शायरी में उल्वियत का नजरिया पेश करने वाले मगरबी नक्काद हैं। पहला ऑप्शन देखें आपके सामने अफलातून है, दूसरे में अरस्तू है, तीसरे में लॉन्जाइनस है, और चौथे में होरेस है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी लॉन्जाइनस, जरूर याद रखिए। एक किताब उसे भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है उल्वियत के बारे में। उल्वियत के बारे में जो ये तस्नीफ है ये किसकी है, तो नोट कर लीजिएगा, लॉन्जाइनस। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉवल बस्ती और खुदा की बस्ती के मुसन्निफ कौन है? दोनों के बारे में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं कि बस्ती किस किसका नॉवल है, खुदा की बस्ती किसका नॉवल है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सीधे सीधे नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी बस्ती इंतजार हुसैन का है, खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नॉवल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जमानी तरतीब के एतबार से निशानदेही कीजिए, यानी इनमें से कौन सी जमानी तरतीब है जो कि दुरुस्त है, सौदा है, गालिब है, नासिख है, इंशा है? इन चारों को जमानी एतबार से आपको मुरतब करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी सौदा, इंशा, नासिख और गालिब। तो इन चारों की सने विलादत और सने वफात के बारे में जरा एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले सौदा के बारे में अगर हम बात करें तो 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। इंशा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1752 ईस्वी में, याद रखेंगे, मुर्शिदाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1817 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अगर हम लोग नासिक के बारे में अगर बात करें हम लोग तो 1772 ईस्वी में, याद रखेंगे, आपकी पैदाइश हुई है और 1838 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। गालिब के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। तो 1712, 1752, 1772, 1797 ये तरतीब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मीरा जी और नून मीम राशिद का ताल्लुक किससे है? तरक्की पसंदी से है, जदीदियत से है, माबाद जदीदियत से है, या फिर हल्के अरबाब दौक से है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी हल्के अरबाब दौक, जरूर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कैदोबंद की सौबतें उठाने वाले शायर हैं, फैज व हसरत होंगे, राशिद व मीरा जी होंगे, असगर व जिगर होंगे, मजाज व जानसार अख्तर होंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी फैज व हसरत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कई चांद थे सरे आसमा है, क्या ये एक तवील अफसाना है, क्या ये एक दास्तान है, क्या ये एक जखीम नॉवल है, क्या ये एक सफरनामा है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी एक जखीम नॉवल। तो फिर क्वेश्चन यहाँ पे ये पुट ऑफ किया जा सकता है, कई चांद थे सरे आसमां, ये जखीम नॉवल किसका है, इसके मुसन्निफ कौन है? तो नोट कर लीजिएगा, शमशुर रहमान फारूकी। क्या नाम बताया हमने? शमशुर रहमान फारूकी, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एलियट की एक नज्म के तर्जमे को सरनामे के तौर पर जिस नॉवेल में शामिल किया गया है उसका नाम है, उदास नस्लें हैं, आग का दरिया है, टेढ़ी लकीर है, खुदा की बस्ती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी आग का दरिया। आग का दरिया किसका नॉवेल है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए, कुर्रतुलैन हैदर का। यहाँ पे जो नज्म जो है सरनामे के तौर पर इस्तेमाल की गई है
उसका टाइटल क्या है तो नोट कर लीजिएगा, द वेस्ट लैंड, नोट कर लीजिएगा द वेस्ट लैंड, ठीक है जी। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें किस अदीब ने सफरनामा नहीं लिखा है? पहला ऑप्शन है इंतजार हुसैन, दूसरा है एहतशाम हुसैन, तीसरा है इब्ने इंशा और चौथा है शमशुर रहमान फारूकी। तो आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी शमशुर रहमान फारूकी, नोट कर लीजिएगा। चलिए बाकी तीनों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कुछ सफरनामों के नाम मैं आपको बताऊंगा और आप बताएंगे ये सफरनामे किसके हैं। जैसे एक नोट कीजिएगा, साहिल और समंदर, साहिल व समंदर जो है ये सफरनामा किसका है ये आपको बताना है। इसी के साथ साथ में जमीन और फलक, जमीन और फलक और 1987 ये किसका सफरनामा है। इसी के साथ साथ में इब्न बतूता के ताकुब में, इब्न बतूता के ताकुब में ये किसका सफरनामा है। तो इन तीनों सफरनामों के मुसन्निफ का नाम आपको बताना है। तो देखिए साहिल व समंदर जो सफरनामा है ये किसका है तो मालूम होना चाहिए एहतशाम हुसैन का है। जमीन और फलक और 1987 जो सफरनामा है इंतजार हुसैन का है। इब्न बतूता के ताकुब में ये किसका सफरनामा है इब्ने इंशा का, नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शायरी को मखरबे अखलाक करार देने वाला फलसफी कौन है? क्या अरस्तु है, अफलातू है, सुकरात है या फैथागोरस है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अफलातू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से अदीबों के किस दस्ते ने इकबाल की बाकायदा तफहीम व ताबीर की है? उसलूब अहमद अंसारी, खलीफा अब्दुल हकीम, शमशुर रहमान फारूकी, मोहम्मद हसन, सरदार जाफरी, वजीर आगा, वकार अजीम, खुर्शीदुल इस्लाम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी उसलूब अहमद अंसारी, खलीफा अब्दुल हकीम। इन दोनों की दो किताब भी आप नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट। एक किताब का नाम है इकबाल का ज़हनी इर्तिका, इकबाल का ज़हनी इर्तिका, आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसकी तसनीफ है, ठीक है जी। इसी के साथ साथ में फिक्रे इकबाल, एक और तसनीफ है फिक्रे इकबाल, तो नोट कर लीजिएगा इकबाल का ज़हनी इर्तिका, इसके मुसन्निफ हैं उसलूब अहमद अंसारी और फिक्रे इकबाल के मुसन्निफ हैं खलीफा अब्दुल हकीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने शेख गुलाम हमदानी किस शायर का असल नाम है? आबरू, फायज, मीर, मुसहफी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मुसहफी, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अहम है। मुसहफी के कुछ तज़किरे हैं, जरूर उन्हें आप याद रखेंगे। जैसे तज़किरे का नाम है अक़्दे सुरैया, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। एक आपका तज़किरा रियाजुल फुसहा, इसे भी आप याद रखिएगा। एक और आपका तज़किरा है तज़किरे हिंदी। तो ये तीनों ही तज़किरे किसके हैं तो नोट कर लीजिएगा, मुसहफी आपको एग्जाम में काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मोहम्मद हसन ने ड्रामा ज़हाक किस तनाजुर में लिखा है? पहला ऑप्शन औरंगजेब और उसके भाइयों की रसाकशी, दूसरा है कात बंगाल, तीसरा है सवान गालिब और चौथा है इमरजेंसी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस शायर ने अपने कलाम को खवास पसंद करार दिया था? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने गालिब है, दूसरे में इंशा है, तीसरे में नासिख है और चौथे में मीर तकी मीर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मीर तकी मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बयानिया शायरी की मेराज किस सिंफ को कहा जाता है? क्या गजल को कहा जाता है, क्या मसनवी को कहा जाता है, क्या कसीदा को कहा जाता है या फिर मरसिया को कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मसनवी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नॉवल आग का दरिया किस सन में शाये हुआ? 1949 में, 1957 में, 1959 में, 1962 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मुआफिक हुक्मे हुजूर के मैंने भी उसी मुहावरे में लिखना शुरू किया जैसे कोई बातें करता है, ये किसका कौल है? मिर्जा गालिब का है, गुलाम गौफ बेखबर का है, मीर अमन का है, रजब अली बेकसरूर का है। तो
इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मीर अमन का ये कौल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने एक रोशन दीवार था न रहा, शहर में एक चिराग था न रहा, गालिब की वफात पर यह शेर किसने कहा। पहला ऑप्शन आपके सामने शिबली है, दूसरे में शगुफ्ता है, तीसरे में हाली है और चौथे में मोमिन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शायर के कलाम को शुमाली और जुनूबी हिंद के दरमियान लिसानी व अदबी पुल करार दिया गया। पहला ऑप्शन आपके सामने वली है, दूसरे में गवासी है, तीसरे में मजहर जाने जाना है और चौथे में मीर तकी मीर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी वली। नोट कर लीजिएगा पहला ऑप्शन यानी वली। अब एक सवाल का जवाब दीजिएगा, वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा। वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा, तो जवाब हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राय साहब और प्रोफेसर मेहता किस नॉवेल के किरदार हैं। ऑप्शन देखिए आपके सामने, मैदान अमल है, निर्मला है, गोदान है, बाजार हुस्न है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी गोदान। नोट कर लीजिएगा गोदान किसका नॉवेल है, आप सबको मालूम होगा मुंशी प्रेमचंद। वही मुंशी प्रेमचंद जिनका नाम है धनपत राय, जिनकी पैदाइश हुई 1880 ईस्वी में बनारस में और जिनका इंतकाल हुआ है 1936 ईस्वी में बनारसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इनमें कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती। पहला ऑप्शन देखें आपके सामने हरियाणवी है, दूसरा ब्रिज भाषा है, तीसरा कन्नौजी है और चौथा बुंदेली है। नहीं पूछा गया, इस बात को जहरनशी कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी हरियाणवी जो है आ का लहजा रखती है, ऊ का लहजा नहीं रखती है। याद रखेंगे ब्रिज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली, ये तीनों जो बोलियां हैं ये जो है ऊ का लहजा रखती हैं। खड़ी बोली और हरियाणवी, ये दो बोलियां जो हैं ये आ का लहजा रखती हैं। हमने पीछे आपको बताया है पिछली क्लासेस में कि मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं, तो 5। इनको लहजे के आधार पर दो ग्रोहों में बांटा गया है। एक आ का लहजा रखने वाली बोलियां जिनमें ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली शामिल है, दूसरी आ का लहजा रखने वाली बोलियों में हरियाणवी और खड़ी बोली है, और ऊ का लहजा रखने वाली बोलियों में ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोशनी किसकी कहानी का उनवान है। पहला ऑप्शन है कृष्णचंद्र, दूसरा है इसमत, तीसरा है मंटू और चौथे में प्रेमचंद। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सही जमाने तरतीब वाले जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी मीर, नजीर और दबीर, ये जो जुमरा है हमारा दुरुस्त हो जाएगा। कैसे सही होगा जरा इन्हें हम समझ लेते हैं एक बार बस रिविजन करने के लिए। मीर की जो सने विलादत है वो है 1722-23, याद मालूम होना चाहिए। और नजीर की जो सने विलादत है 1740 ईस्वी है, और दबीर की जो है 1803 है। तो बिल्कुल ये हमारा जुमरा है दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसानों का मजमुआ कौन सा है। जाफरान के फूल, भूल भुलैया, शीशे के घर, ख्वाबो ख्याल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी जाफरान के फूल। भूल भुलैया इसमें चौथाई का है, याद रखिएगा भूल भुलैया किसका है, इसमें चौथाई का। और ख्वाबो ख्याल किसका है तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, ख्वाबो ख्याल किसका हो जाएगा, प्रेमचंद का हो जाएगा। शीशे के घर किसका अफसानी मजमुआ है, कुर्रतुल ऐन हैदर का। देखिए ये जो चीजें हैं यानी किसी भी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कीजिए तो उसको पूरा सॉल्व कीजिए, ऐसा ना कीजिए कि उस क्वेश्चन का जवाब आपको मालूम होगा तो क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, बिल्कुल नहीं। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपके जहन में आ सकती है, जितने भी क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, उनको आप अपने आप से हल करने की कोशिश कीजिए, तभी आपको नए क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मीर अनीस का इब्तदाई तखल्लुस क्या था। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने हजी है, दूसरा यास है, तीसरा हुस्न है और चौथा दाग है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी हजी, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उर्दू में तकाबली तनकीद की बुनियाद किसने डाली। अल्लामा शिबली नौमानी ने, मोहम्मद हुसैन आजाद ने, अल्ताफ हुसैन हाली ने, नियाज फतेहपुरी ने। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा
हमारा पहला ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौमानी। मौज़ने अनीसु दबीर याद रखेंगे किसकी तसनीफ है, अल्लामा शिबली नौमानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया गलत जोड़ की निशानदेही कीजिए, सही नहीं पूछा गया बल्कि पूछा क्या गया, गलत जोड़ की निशानदेही कीजिए, तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। सुखन हाय गुफ्तरी किसकी तसनीफ है, कलीमुद्दीन हमन, आग का दरिया कुरतुल हैदर, तनकीदी इशारे आलामत सुरू। तो फिर जख्म जो ये क्या है और इसके मुसन्निफ कौन है, तो नोट कर लीजिएगा जख्म जो है ये नॉवल है और ये किसका नॉवल है, इलियास सामद गदी का, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सुबह आजादी किसकी नज्म है, पहला ऑप्शन है जोश, दूसरा है फराक, तीसरा है फैज और चौथा ऑप्शन है अख्तरुल ईमान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी फैज अहमद फैज, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किताब नजर और नजरिए का मौजू क्या है, पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने फलसफा है, दूसरा तनकीद है, तीसरा तारीख है और चौथा मंतक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा दूसरा जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा यानी तनकीद। नजर और नजरिए का मौजू क्या है, तनकीद, नोट कर लीजिएगा। अच्छा ये बताइए नजर और नजरिया जो ये तसनीफ है इसके मुसन्निफ कौन है, तो नोट कर लीजिएगा आल अहमद सुरूर, इसके मुसन्निफ कौन है, आल अहमद सुरूर, जरूर आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, अफसाना बबल किसकी तखलीक है, पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने बेदी है, कुरतुल हैदर है, मंटू है, कृष्णचंद्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी राजेंद्र सिंह बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जबानी एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए, आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हसन शौकी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह और वली दकनी, ये जो जुमरा है ये दुरुस्त है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये किसका ख्याल है कि लिटरेचर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वह जज्बाते इंसानी को हरकत में लाए, पहला ऑप्शन आपके सामने मोहम्मद हुसैन आजाद है, दूसरा इमदाद इमाम असर की शक्ल में है, नियाज फतेहपुरी तीसरे ऑप्शन में और चौथे ऑप्शन में मेहदी इफादी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी नियाज फतेहपुरी, नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रोशन है इस तरह दिले सोजा में दाव एक, उजले नगर में जैसे जले चिराग एक, ये शेर किस शायर का है, क्या ये मीर तकी मीर का है या फिर मीर दर्द का है या फिर मुसाफी का है या फिर गालिब का है, तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी मीर तकी मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नंगी आवाजें और खुदा की कसम किसके अफसाने हैं, पहला ऑप्शन आपके सामने सादत हसन मंटू है, दूसरा कृष्णचंद्र है, तीसरे में ख्वाजा अहमद अब्बास है और चौथे में प्रेमचंद। हर क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, समय निकाल के आप है जरूर इस पूरी क्लास को हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, अपने आप को चेक करें कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं, तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सादत हसन मंटू, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस शायर ने मुख्तलिफ उलूम व फ़नून की इस्तिलाहात को बड़ी खूबी के साथ अपने कसायद में बरता है, पहला ऑप्शन देखें ज़ौक़ है, दूसरा सौदा है, तीसरा इंशा है और चौथे में गालिब है, तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसकी गजलों में इश्किया जज्बात का बरमला इजहार रंगीनी और शगुफ्तगी पैदा कर देता है, ऑप्शन आपके सामने देखें मुसाफी हैं, ज़ौक हैं, सौदा हैं, मोमिन हैं, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन यानी मोमिन, हकीम मोमिन खां मोमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तारीख इल्मुल कलाम का मुसन्निफ कौन है, बहुत ही अहम तसनीफ है, ऑप्शन आपके पास में देखें हाली, क्या हाली की तसनीफ है या शिबली है या फिर शरर है या फिर सर सैयद अहमद खां है, तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौमानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कॉल बहुत ही अहम है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। फैज किसी मरकजी नजरिए का शायर नहीं, सिर्फ एहसासात का शायर है, ये किसका कॉल है? क्या ये एहतशाम हुसैन का है, नून मेम राशिद का है, आला अहमद सरूर का है, या फिर कलीमुद्दीन अहमद का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी नून मेम राशिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। जिलानी बानो बाबा लो, इकबाल मजीद तमाशा घर, गया समद गदी बिजुका, सुरेंद्र प्रकाश रास्ता बंद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी तमाशा घर इकबाल मजीद का है। बाबा लो किसका है? गया समद गदी का अफसानी मजमुआ है। बिजुका किसका है? तो मालूम होना चाहिए कि बिजुका किसका है, सुरेंद्र प्रकाश का, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। रास्ता बंद है किसका है? जीलानी बानो का अफसानवी मजमुआ है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में गलत जोड़ की निशानदही कीजिए। क्या पूछा गया है? गलत जोड़ की निशानदही कीजिए। इसमें चौथाई चोटे, ख्वाजा अहमद अब्बास एक लड़की, सुहेल अजीम आबादी अलाव, कुर्रतुलन हैदत वारदात। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी वारदात जो अफसानी मजमुआ है ये मुंशी प्रेमचंद का है, ना कि कुर्रतुलैन हैदर का। बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में कौन सा शेरी मजमुआ जिगर मुरादाबादी का नहीं है? बहुत अच्छे से पढ़िएगा। क्या पूछा गया कि जिगर का कौन सा शेरी मजमुआ नहीं है? देखिए ऑप्शन में आपके पास में दागे जिगर है, शोले तूर है, आतिशे गुल है, शेरिस्तान है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी शेरिस्तान। तो फिर ये मुझे बताइएगा, शेरिस्तान जो शेरी मजमुआ ये जिगर का नहीं है, तो फिर ये किस शायर का शेरी मजमुआ है? तो जवाब लिखिएगा फिराक गोरखपुरी, नोट कर लीजिएगा फिराक गोरखपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इब्तिदा में आज़ाद नज्म की हयात को फ़रोग देने में किसका किरदार अहम है? ऑप्शन आपके पास में देखें, यहाँ पे अख्तर शीरानी है, नून मेम राशिद है, अख्तरुल ईमान है, साहिल लुधियानवी है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी नून मेम राशिद, नजर मोहम्मद राशिद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अख्तरुल ईमान की नज्म एक लड़का उनके किस मजमू कलाम में शामिल है? पहला ऑप्शन आपके सामने यादें हैं, दूसरा तारीख सयारा है, तीसरा बिनते लम्हात है, चौथा सबरंग है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी यादें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, अपने तज़किरे में ये किसने लिखा था कि अगरचे रेख्ता दखन से ताल्लुक रखता है, लेकिन इस वजह से कोई शायर मरबूत वहाँ पैदा नहीं हुआ, लिहाजा आगाज उनसे नहीं किया गया। ऑप्शन आपके सामने देखें, मुसहफ़ी हैं, कुदरतुल्ला कासिम है, शफीक औरंगाबादी हैं, मीर तकी मीर है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी मीर तकी मीर, ज़रूर याद रखेंगे। मीर तकी मीर के तज़किरे का नाम क्या है? तो वो है निकातुश्शोरा। निकातुश्शोरा ज़रूर आप याद रखेंगे, फारसी जुबान में उर्दू शोरा का पहला तज़किरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आवाज नहीं कैद में जंजीर की हरगिज, हरचंद की आलम में हूँ, आलम से जुदा हूँ, ये किसका शेर है? मीर तकी मीर का है, शाद अजीम आबादी का है, दर्द का है, या फिर गालिब का है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी ख्वाजा मीर दर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम क्या था? क्या शरीफुद्दीन था, फसीहुद्दीन था, मुहीउद्दीन था, या फिर सलीमुद्दीन था? तो मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी मुहीउद्दीन। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कब हुई है? तो मालूम होना चाहिए 1888 ईस्वी में मक्का में आपकी पैदाइश हुई, याद रखेंगे, और 1958 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, थी नहर अलकमा भी खजालत से आब आब, रोता था फूट फूट के दरिया का हर हबाब, मस्कुरा शेर का खालिक कौन है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, अनीस हैं, जोश हैं, इकबाल हैं, नून मीम राशिद हैं। तो सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी अनीस, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दास्तान अहद गुल क्या है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, सफरनामा है, अफसानों का मजमुआ है, खतूत का मजमुआ है, या फिर मजामीन का मजमुआ है? जल्दी से मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी मजामीन का मजमुआ है, ज़रूर याद रखिएगा।
इसके मुरतब कौन है, तो उसको उनका नाम नोट कर लीजिएगा। इसके मुरतब है असलम फरखी। इसके मुरतब कौन है, नाम नोट कर लीजिएगा, असलम फरखी, जरूर याद रखिएगा। चलिए अब हम सब बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल के सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। हाउसिंग सोसाइटी, क्या ये अफसानी मजमुआ है? सीता हरण अफसाना है? सितंबर का चांद रिपोर्टाज है? पतझड़ की आवाज नॉवेल है? तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी सितंबर का चांद जो है रिपोर्टाज है। तो फिर ये बताइए किसका रिपोर्टाज है, तो नोट कर लीजिएगा कुर्रतुलैन हैदर। किसका ये रिपोर्टाज है, कुर्रतुलैन हैदर का ये रिपोर्टाज है। पतझड़ की आवाज अफसानवी मजमुआ है, कुर्रतुलैन हैदर का, याद रखिएगा। और सीता हरण नॉवेल्ट है, और इसी के साथ साथ में हाउसिंग सोसाइटी भी क्या नॉवेल्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नजीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है, ये किसका कौल है? नजीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है, किसका कौल है? आला अहमद सुरूर का है, एहतशाम हुसैन का है, मजनू गोरखपुरी का है, शमशुर रहमान फारूकी का है? तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी शमशुर रहमान फारूकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, खड़ी बोली किस इलाके की बोली है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, हिंदुस्तानी मगरबी हिंदी के शुमाल मगरबी इलाके की बोली है, शुमाली हिंदुस्तान में दिल्ली के जुनूबी इलाकों की बोली है, वस्त हिंद के इलाकों की बोली है, मगध देश के इलाके की बोली है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी हिंदुस्तानी मगरबी हिंदी के शुमाल मगरबी इलाके की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कलीमुद्दीन अहमद की तनकीद पर किस मगरबी नकाद का असर है? कोलर्ज का है, मैथ्यू आर्नल्ड का है, विलियम एम्सन का है, एफ आर ल्यूस का है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी एफ आर ल्यूस, जरूर याद रखेंगे। कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश हुई 1908 ईस्वी में पटना में, और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अफजल और परवीन आगा हश्र के किस ड्रामे के किरदार हैं? ऑप्शन आपके सामने, खूबसूरत बला है, ख्वाब हस्ती है, सिल्वर किंग है, असीर हिरस है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी सिल्वर किंग। आगा हश्र का पहला ड्रामा कौन सा है, तो मालूम होना चाहिए आफताब मोहब्बत। कौन सा है, आफताब मोहब्बत, जिन्होंने महज 18 साल की उम्र में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए है, कहते बंगाल के मौजू पर लिखा हुआ कृष्णचंद के अफसाने का नाम क्या है? क्या नुक्कड़ है, या फिर अंदाता है, आधे घंटे का खुदा है, दो फरलांग लंबी सड़क है? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी अंदाता, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम सब बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इश्क पर जोर नहीं और खिदमतगार अफसाने किससे मंसूब है? कुर्रतुलैन हैदर, सादत हसन मंटू, इसमें चौतई, या फिर राजन सिंह बेदी, ये अफसाने किसके हैं? तो जवाब नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी इसमें चौथे। इसमें चौथे की अगर हम पैदाइश के बारे में बात करें, तो 1915 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है, और 1991 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम सब बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है? कोहरे का चांद, महल सरा, सुर्ख पर्दे, देख रहे हैं नैन? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी देख रहे हैं नैन। तो फिर ये बताइएगा, देख रहे हैं नैन ये मोहम्मद हसन का ड्रामा नहीं है, तो फिर ये किसका ड्रामा है, नोट कर लीजिएगा, हबीब तनवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नजीर अकबर आबादी की किस नज्म को मजनू गोरखपुरी ने रूसों के माशर्ती अहदनामा के मुमासिल करार दिया है? ऑप्शन आपके पास में, रोटी है, बंजारा नामा है, आदमी नामा है, कलजू। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा कलयुग, जो कि हिंदी में कल युग। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 में कौन सी अहम किताब शाये हुई थी? 1897 में कौन सी अहम किताब शाये हुई थी? हयात सादी, यादगार गालिब, हयात जावेद, मुकदमा शेर व शायरी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी यादगार गालिब। इन चारों ही तसनीफात के बारे में आप सबको जानना जरूरी है, जरूर याद रखेंगे। तो चलिए हयात सादी के, यादगार गालिब के बारे में तो हम लोगों ने बात कर लिया, इसका सन क्या है, शायद 1897 क्वेश्चन में कहा गया।
तो फिर हयाते सादी कब शाये हुई, तो नोट कर लीजिएगा 1886 में, सभी नोट कर ले। हयाते जावेद कब हो जाएगा 1901, नोट कर लीजिएगा। मुकदमा शेर व शायरी 1893 जरूर याद रखेंगे। आप चाहे तो इन्हें तरसीब से भी कर लीजिए, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सीधे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लखनऊ का अवामी स्टेज किसकी तसनीफ है? लखनऊ का अवामी स्टेज किसकी तसनीफ है? पहला ऑप्शन आपके सामने सैयद एहतशाम हुसैन है, दूसरे में मसूद हुसैन खां है, तीसरे में इब्राहिम यूसुफ है और चौथे में मसूद हसन रिजवी अदीब है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन यानी मसूद हसन रिजवी अदीब, जरूर याद रखेंगे। इनकी एक और भी किताब एग्जाम में आ चुकी है प्रीवियस क्वेश्चन में, हमारी शायरी। तो हमारी शायरी जो ये तसनीफ, इसके मुसन्निफ कौन है? मसूद हसन रिजवी अदीब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सा आगा हश्र का ड्रामा नहीं है? पहला ऑप्शन आपके सामने देखें आंख का नशा है, दूसरा है यहूदी की लड़की, तीसरा है रुस्तम व सोहराब और चौथा है कोहरे के चांद। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी कोहरे के चांद। जरूर याद रखेंगे, कोहरे के चांद जो है किसका ड्रामा है तो मालूम होना चाहिए, मोहम्मद हसन। किसका ड्रामा है? मोहम्मद हसन का, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अमानत में अवध के किस नवाब का अहद देखा था? चारों ऑप्शन को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी वाजिद अली शाह। अमानत लखनवी का आपके निसाब में शामिल जो ड्रामा है वो है इंद्रसभा। इंद्रसभा याद रखिएगा, एक मंजूम ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सा मजमुआ मोहम्मद हसन का नहीं है? मोर पंखी, तमाशा और तमाशाई, पैसा और परछाई, औरत का दिल। तो आप सब बताइए सवाल का सही जवाब क्या है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी औरत का दिल। तो फिर ये किसका ड्रामा है, नोट कर लीजिएगा, आगा हश्र काश्मीरी का यह ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। शबनमिस्ता, फिराक गोरखपुरी, आतिशे गुल, जोश मलिहाबादी, सुम्बुल सलासिल, जिगर मुरादाबादी, नगमे इलहाम, असगर गुंडवी। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी शबनमिस्ता जो है ये फिराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है, सही है। तो फिर आतिशे गुल किसका है? जिगर मुरादाबादी का है, मालूम होना चाहिए। सुम्बुल सलासिल किसका है? जोश मलिहाबादी का। नगमे इलहाम किसका है? शाद अजीमाबादी का। नगमे इलहाम किसका है? शाद अजीमाबादी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मिर्जा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है, ये ख्याल किसका है? ऑप्शन आपके सामने देखें, यहाँ पे हाली हैं, अब्दुलरहमान बिजनौरी हैं, फिराक गोरखपुरी हैं, शेख मोहम्मद इकराम हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अब्दुलरहमान बिजनौरी। अब यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, तीन ऐसी अहम तसनीफात जिनको याद करना बिल्कुल आसान नहीं, उनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो एक किताब का नाम है महासिने कलाम गालिब। महासिने कलाम गालिब के मुसन्निफ कौन है, ये आपको मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ में किताब का नाम है फलसफे कलाम गालिब, इसके मुसन्निफ कौन है। इसी के साथ साथ में अफकार गालिब, अफकार गालिब के मुसन्निफ, तीनों देखें एक जैसी बिल्कुल लग रही हैं। महासिने कलाम गालिब के मुसन्निफ हैं अब्दुलरहमान बिजनौरी, नोट कर लीजिएगा अब्दुलरहमान बिजनौरी। फलसफा कलाम गालिब के मुसन्निफ हैं शौकत सब्जवारी, से भी नोट कर लीजिएगा। अफकार गालिब के मुसन्निफ हैं खलीफा अब्दुल हकीम, खलीफा अब्दुल हकीम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मखदूम की नज्म चारागर के बारे में ये किसने कहा था, खालिस शायराना हैसियत से इसके खड़े होने में कलाम नहीं। पहला ऑप्शन आपके सामने एहतशाम हुसैन है, दूसरा कलीमुद्दीन अहमद है, तीसरा अजीज अहमद है और चौथा मौलवी अब्दुल हक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन यानी अजीज अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तीन तज़किरे किस शायर ने तसनीफ किए हैं, शौक ने, कायम ने, मुसहफी ने या फिर मीर ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मुसहफी।
अभी पीछे तीनों तस्करों के नाम भी हमने आपको बताए थे, एक का नाम हमने बताया था अकदे सुरैया, एक का नाम हमने आपको बताया था तस्करे हिंदी, और एक का नाम हमने आपको बताया था रियाजुल फुसहा, और आपसे कहा भी था कि ये सभी अहम है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गालिब का तफक्कुर नाम का मजमून किसका लिखा हुआ है? आलम सुरूर का है, अब्दुलरहमान बिजनौरी का है, एहतशाम हुसैन का है, कलीमुद्दीन अहमद का है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी सैयद एहतशाम हुसैन। नोट कर लीजिएगा, तीसरा ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सेहरुल बयान में जिन्हों के बादशाह के बेटे का क्या नाम है? क्या फिरोज शाह है, या फिर हशमत शाह है, या फिर दिलबर शाह है, या फिर सौलत शाह है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी फिरोज शाह, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आसार अबुल कलाम के मुसन्निफ का क्या नाम है? ऑप्शन आपके पास में शेख मोहम्मद इकराम है, काजी अब्दुल गफ्फार है, आबिद हुसैन है, एहतशाम हुसैन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी काजी अब्दुल गफ्फार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आनिस का मरसिया आज शब्बीर पे क्या आलम है तन्हाई, लखनऊ से दिल्ली पहुंचा, तो किसने कहा कि अनीस ने ख्वाह मख्वाह पूरा मरसिया लिखा, यही एक मिसरा काफी था। ऑप्शन आपके पास में देखें, गालिब है, दूसरे में हाली है, तीसरे में शगुफ्ता है, और चौथे में नासिख है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी शगुफ्ता, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नौजवानों से खिताब, तालिब इल्मों से खिताब, सिपाही से खिताब, मजदूरों से खिताब, किसानों से खिताब अब बंद होना चाहिए, किसने कहा? रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है, असर लखनवी ने कहा है, सज्जाद जहीर ने कहा है, या फिर सरदार जाफरी ने? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सज्जाद जहीर, नोट कर लीजिएगा सज्जाद जहीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिंदगानी बेनजीर का मुसन्निफ कौन है? मीर कुतुबुद्दीन बातिन, सलीम जाफर, सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर शहबाज, मसीहुज़्ज़मां? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर शहबाज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उर्दू अदब के किस मौरख ने मसनवी आलीनामा को दकनी अदब का शाहनामा करार दिया है? ऑप्शन देखें आपके पास में, राम बाबू सक्सेना है, जमील जालबी है, सैयदा जाफर है, अनवर सदीद है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जमील जालबी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दयाशंकर नसीम शागिर्द तो आतिश के हैं लेकिन उनका रंगे सुखन किस शायर से मिलता है? आबरू से मिलता है, हातिम से मिलता है, नासिख से, या फिर वली से? तो नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन यानी नासिख। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पूरन इसमें चौधरी के किस नावल का किरदार है? टेढ़ी लकीर का है, जिद्दी का है, मासूमा का है, एक कतरे खून का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जिद्दी, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये शेर किसका? जर्रा जर्रा है मेरे कश्मीर का मेहमान नवाज, राह में पत्थर के टुकड़े ने दिया पानी मुझे। पहला ऑप्शन आपके सामने ब्रिज नारायण चकबस्त है, सुरूर जहां आबादी है, सफीर बलग्रामी है, फैज अहमद फैज है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी ब्रिज नारायण चकबस्त। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग क्या इतने बेरहम हैं? आप लोगों को यतीम बच्चों पर भी रहम नहीं आता, क्या उन्हें भिखारी बनाकर छोड़ोगे? ये इकतबास प्रेमचंद के किस अफसाने से माखूज है? ज़ादे राह, कफन, नमक का दरोगा, और शतरंज की बाजी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी ज़ादे राह, नोट कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, हिंद आर्याई जुबान के अहद कदीम की मियाद क्या थी? बहुत बार हम आपको इस क्वेश्चन को बता चुके हैं कि हिंद आर्याई जुबान को कितने अदवार में तकसीम किया गया है, तीन अदवार में तकसीम किया गया है। कदीम हिंद आर्याई दौर कब से कब तक? 1500 कबल मसीह था 500 कबल मसीह, वस्ती हिंद आर्याई दौर 500 कबल मसीह था 1000 ईस्वी, और जदीद हिंद आर्याई दौर 1000 ईस्वी ता जमाने हाल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी 1500 कबल मसीह था 500 कबल मसीह। तो इस तरह से आज के सेशन में हम सभी ने मिलकर 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके आंसर्स कवर किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चंस
आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो इस क्लास को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हर उस स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल साबित होने वाले हैं जो उर्दू के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो यूजीसी नेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो या उर्दू का कोई भी एग्जाम हो जहां उर्दू से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए मददगार साबित होंगे। तो आज की इस क्लास में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल।